हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर ब्लॉग एंड वेलकम टू आवर चैनल। अभी मैं नालंदा में हूँ। सो अभी नालंदा विजिट करने के लिए आया हूँ। सो चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं और क्या प्रोसीजर जान लेते हैं। सो मैं चलता हूँ अभी टिकट की ओर, क्या पड़ता है, क्या कॉस्टिंग रहता है। ये नया काउंटर है, पहले पुराना काउंटर बाहर हुआ करता था, बट अभी ये नया काउंटर बना है। सो अभी टिकट लेते हैं, मे बी शायद गोप्रो का भी चार्ज लगेगा। गोप्रो का भी चार्ज लगेगा क्या? नो, वो गोप्रो फ्री है। दो दो टिकट दीजिएगा। कितना? 80 रुपीज़, यानी 40 रुपीज़ पर पर्सन, और फॉरनर के लिए 600 पर पर्सन। ये रहा टिकट, ऐसा टिकट है। अभी चलते हैं अंदर। हो गया कोई, मैं टिकट मिल गया हाफ हाफ ऑफ करने के बाद। अब मैं अंदर चल रहा हूँ। तो अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये एक्चुअल में बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है नालंदा। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड का जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, और तक्कशिला जो इंडिया में हुआ करता था पहले, बट अभी नहीं है। नालंदा भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसका डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बट अभी ये नालंदा का जो अवशेष बचा हुआ है वही हम लोग देखने के लिए आए हैं। ऐसे तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। अभी मैं सामने दिखाता हूँ आपको। ये भारत का और बिहार का धरोहर है। आप सोच सकते हैं कि मतलब वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी, जब दुनिया यूनिवर्सिटी बनाना सीखा नहीं था उस समय, इंडिया यूनिवर्सिटी बनाकर अपना स्टूडेंट और फॉरेनर स्टूडेंट को भी एजुकेट करने लगा था। मतलब आज से 2000 साल पहले, मतलब ये साइट, ये जो साइट है ये बुद्धिस्ट साइट है। ये यहाँ पे जो एजुकेशन दिए जाते थे वो भी बुद्धिस्ट से ज़्यादा रिलेटेड रहते थे, और बाकी सब्जेक्ट्स भी रहते थे, मगर मेन प्रॉपरली जितना भी प्रोफेसर और टीचर्स होते थे, स्टूडेंट भी होते थे, मॉन्क्स हुआ करते थे उस समय। 10,000 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ा करते थे। बट और ये एरिया करीब 10 किलोमीटर में फैला हुआ था, बट अभी उतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। 10 किलोमीटर में तो नहीं है, बट ऐसा मैं विकिपीडिया नहीं, या कोई मंक से मैं सुना हूँ, और कोई मंक्स बुद्धिस्ट मंक मुझे बताया। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं उसके बारे में और डिटेल्स लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक नालंदा का जो बोर्ड लगा हुआ है, आप थोड़ा बहुत डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं। आप अगर वीडियो को रोक कर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इसको। मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और ये इंग्लिश में है, और ये साइड अपोजिट साइड हिंदी में भी है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो मेनली ये यूनिवर्सिटी जो था ये बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स का सेंटर था, बुद्धिस्ट एजुकेशन का सेंटर था, और वर्ल्ड वाइड से लोगों को एजुकेट करते थे। अभी मैं नालंदा का जस्ट खंडर के सामने खड़ा हूँ, और यही है वो
नहीं, 2000 साल पुराना से मोर देन 2000 साल पुराना है। अभी मैं चलता हूँ अंदर। ये बहुत ही, देख सकते हैं आप कितना मोटा दीवार है ये। चलते हैं अंदर। ये है नालंदा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी। बहुत मोटे मोटे दीवार हैं ये, 3 मंजिला, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हुआ करता था, बट जितना ऊपर देख रहे हैं उतना नीचे अंदर दबा हुआ है। मतलब बहुत अमेजिंग है। पहले का दीवार इतना मोटा हुआ करता था, 2000 साल पुराना। ब्रिक भी देखेंगे तो बहुत हद तक मॉडर्न ब्रिक से मिलता जुलता है। मैं भी आपको ये दिखा रहा हूँ सराउंडिंग मेरे पीछे। ये जितना भी है सारा नालंदा का, आई मीन उस यूनिवर्सिटी का ही भाग है, पहले हुआ करता था। अभी मैं आपको यहाँ का मैप दिखाऊंगा जो सामने है। ये मैप है नालंदा का, जो 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। जो भी ये यहाँ पे अब उतना नहीं है, अभी जो मिला है बहुत कम भाग ही यहाँ पे है। गाइड लेंगे सर? नहीं सर, गाइड रखिए। और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा था। अभी बहुत सारा बुद्धिस्ट और इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो खास करके चाइना और एशियन स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते यहाँ पे स्टडी करते थे। सारे सब्जेक्ट का जो अधिकतर पर्पस बुद्धिस्ट से रिलेटेड ही रहता था, बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड रहता था। मेडिटेशन हो गया, और जो भी बुद्धा का थॉट्स और जो टीचिंग्स थे उसको पढ़ाया जाता था यहाँ पे। यहाँ पे आप, मैं आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये रहा अंग्रेज़ी में। नीचे तो जा नहीं सकते हैं, बस यहीं से, बस जो भी दिखा सकता हूँ यहीं से दिखा सकता हूँ, ज़्यादा नीचे जा नहीं सकते। मैं एक बार घूम कर आगे पीछे से, ये जो मेन अट्रैक्शन है जो इस साइट का, जो यही है, लोग यहाँ पे बहुत फ़ोटो भी लेते हैं और बहुत सारा, मतलब ये बुद्धिस्ट का होली प्लेस में से भी एक है। बहुत सारा जो एशियन स्टूडेंट, सॉरी एशियन टूरिस्ट है जो, और फॉरेनर टूरिस्ट, जो वेस्टर्न टूरिस्ट, वो भी यहाँ पे आकर विजिट करते हैं। बहुत अमेजिंग है ना। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर कोई नालंदा के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं तो। और मैं भी बहुत इच्छुक हूँ इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए। अगर जो भी व्यूअर मेरा अगर इसे और एक्सप्लेन कर सकता है मुझे, तो प्लीज़ एक्सप्लेन मी। ये ऐसा दिया हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा सके। और जो नालंदा का जो ये प्रॉपर्टी है उसको डैमेज ना कर सके, यानी कि पब्लिक से डैमेज ना हो मेनली, ये फोकस करके ही ये फेंस जो लकड़ी का जो दिया हुआ है ये दिया गया है। बहुत प्यारा भी लग रहा है, ये देखेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्तूपा है शायद, और छोटे 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 वो भी सारे स्तूपा ही हैं बांग्स का। सो
रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। एक बुद्धा स्टैचू है, वो शायद स्तूपा है जो आपको वहाँ पे दिख रहा है, शायद नहीं कंफर्म ये स्तूपा ही है, वो बड़ा स्तूपा, ये उससे थोड़ा छोटा है बट रिलेटेड तो उसी से है। हम जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी था वो 10 किलोमीटर में फैला हुआ था, मोर देन 10 किलोमीटर्स। तो देखिए कैसे पहले का बना हुआ स्ट्रक्चर, 2000 साल पहले बना हुआ नाली है ये, बट थोड़ा रिपेयर किया गया है इधर, मतलब एवरीथिंग एकदम परफेक्ट था पहले। यहाँ का जो पहला यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड का, दुनिया कभी ये मतलब सोचा नहीं था कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का एजुकेशन, मतलब एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बट वो इंडिया में एग्जिस्ट करता था, यानी कि उस समय होता था। सोच सकते हैं कि आप आज से 2000 साल पहले इंडिया कितना हाईटेक था। ये छोटे छोटे स्तूपा हैं, सब किसी ना किसी मॉन्क्स का स्तूपा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी। ये साइड बहुत अट्रैक्टिव साइड है अगर आपको हिस्ट्री और से रिलेटेड जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये साइट आपके लिए परफेक्ट साइट है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और मैं अभी ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बहुत ही पॉपुलर उस समय हुआ करता था, बहुत दूर से लोग यहाँ स्टडी करने के लिए आते थे, और स्टडी करने वाला भी बहुत परफेक्ट होना पड़ता था यहाँ एडमिशन लेने के लिए। आपको एक एग्ज़ाम लिया जाता था पहले, इंट्रेंस जिसको बोलते हैं अभी, उसी तरह एक एग्ज़ाम हुआ करता था। अगर उस एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाते हैं, यानी पास हो पाते हैं, तभी आपको यहाँ का स्टूडेंट और यहाँ एडमिशन मिलता था उस समय। बट ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये 2-3 बार डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी कि मतलब बर्बाद किया गया है, तोड़ा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, और इसको 2 बार रीबिल्ड किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा यूनिवर्सिटी का ही एरिया है, बहुत प्यारा है और बहुत अट्रैक्टिव है। जब सोचिए जब अभी इतना खूबसूरत लगता है, तो जब उस समय रियल में हो जब होगा तो कैसा लगता होगा। और ये बख्तियार खिलजी नमक राजा, जो उसी ने इसे जलाकर डिस्ट्रॉय किया था, ये 2 बार रीबिल्ड हुआ है, जब तीसरा बार जलकर राख हो गया तब इसे दोबारा बनाया नहीं गया। ये 3 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें 2 बार इसको बनाया गया है, और तीसरा बार जब डिस्ट्रॉय किया तो उस समय रीबिल्ड यानी दोबारा नहीं बनाया, ये बख्तियार खिलजी नामक राजा को ही डिस्ट्रॉय किया था इस जगह, नालंदा यूनिवर्सिटी को। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं और आपको। स्टूडेंट रूम आपको दिखाते हैं, स्टूडेंट रूम कैसे हुआ करता था नालंदा का। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये उस समय का स्टूडेंट रूम हुआ करता था, बहुत सारा रूम है इस तरह करके, बहुत सारा। ये पूरा यूनिवर्सिटी बहुत वेल डिजाइन किया गया था, मतलब इस तरह से बना हुआ था ये, कि आजकल का मॉडर्न जो इंजीनियर और बिल्डिंग डिजाइनर लोग बनाते हैं उस टाइप का 2000 साल पहले बनाया हुआ था। और चलते हैं आपको और नीचे से दिखाता हूँ मैं। ये भी उस समय का पता नहीं क्या है, मे बी
पानी वानी का कुछ होगा, एक कुआं भी है। तो चलते हैं और वहाँ पे एक कुआं है, चलते हैं और देखते हैं कैसा है कुआं। साइड साइड से चल जाता हूँ मैं। ये पत्थर ही है शायद, उसी टाइम का है। ये रहा कुआं, बहुत पुराना कुआं है ये। अब सोच सकते हैं ये प्लेस ही इतना, यूनिवर्सिटी इतना ही पुराना है, तो ये कुआं भी उस समय यूज में लिया करता होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह करके बहुत सारा रूम्स है। सो अभी मैं तो थक गया हूँ, चलते हैं और दूसरे साइड देखते हैं क्या क्या और है। ये मोनेस्ट्री नंबर 8। इसी तरह करके नंबर 9, नंबर 10 करके आगे तक गया हुआ है। यहाँ पे एक स्तूपा भी है, आपको नज़दीक से वो स्तूपा दिखाता हूँ मैं। पहले इसके अंदर चलते हैं। ये है मोनेस्ट्री नंबर 9, मैं इसके अंदर चल रहा हूँ। सो चलते हैं देखते हैं। ये सारे रूम हैं जो मॉन्क्स और स्टूडेंट को रहने के लिए यूज हुआ करता था उस समय। और चलते हैं अंदर, आ तो चुका हूँ मैं। ये भी एक कुआं है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको बंद किया गया है ताकि कोई गिरे ना। दिख रहा होगा तो चलते हैं। अब मैं वो जो क्या चीज बोलते हैं उसको, वो जो स्तूपा है उसके पास चलते हैं। और जैसे मेरा टूर कंप्लीट होता है मैं बाहर निकलूंगा। बहुत देरी हो गई, हो चुका है। इस तरह करके 6 नंबर से स्टार्ट होकर आगे तक गया है। सो जो है वही यहाँ पे ये मन टेंपल है, और ये 13 नंबर का टेंपल, यानी बहुत सारा टेंपल हुआ करता था। तो बहुत बड़ा था ये यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारा टेंपल भी हुआ करता था ये। तो ये मे बी ये श्योरली बुद्धा का ही ये टेंपल है। आगे चलते हैं और इसे चढ़ते हैं अभी और नज़दीक से देखते हैं। मुझे लगा कि ये स्तूपा है, बट ये स्तूपा नहीं, ये टेंपल है। अंदर क्या है थोड़ा झांक कर देखते हैं। शायद वो साइड दिख रहा है जो भी में भी टेंपल ही होगा। इस तरह करके पूरा देख लीजिए कैसा है नालंदा। और भी मैं टेंपल पे के नज़दीक आ चुका हूँ, चढ़ रहा हूँ ऊपर। ये टूटा हुआ जो अवशेष है वही है। मुझे लगता है कि ये बुद्धिस्ट बुद्धा का स्टैचू ही यहाँ पे होगा उस समय, बट अभी कुछ नहीं है, कुछ टूटा फूटा बस अवशेष ही है। आपको साइड से दिखाता हूँ।
जो भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप कहीं भी जाएं, जो भारत का धरोहर है उसे नष्ट ना करें ऐसा लिख के और इस तरह से करके। प्लीज़ आप सभी व्यूवर से मेरा यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, ताकि जो इंडिया का धरोहर है, बिहार का धरोहर या इंडिया का धरोहर, दोनों तो सेम ही है, जो है उसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखा जा सके, ताकि वो इस चीज़ को देख सके, दुनिया इस चीज़ को देख सके कि इंडिया वर्ल्ड को क्या दिया है, क्या दिया था और फ्यूचर में क्या दे सकता है। ठीक है, सो ये इंडिया कंट्री बहुत बहुत ही ग्रेट लोगों का कंट्री रहा है, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, महावीर और भी बहुत हैं। सो प्लीज़ ऐसा ना करें और अपना जो भी इंडिया का, भारतीय लोग का, आई मीन जो प्लेसेस है इस तरह का, उस तरह का कुछ लिख कर डिस्ट्रॉय और तोड़ कर डिस्ट्रॉय मत कीजिए प्लीज़। सो अब चलते हैं, बहुत देर हो चुका है, अब मैं बाहर निकलूँगा। सो चलते हैं आगे। ये मंदिर टेंपल नंबर 12 है, ये भी टेंपल ही है, बट जो बहुत बड़ा टेंपल है, ये भी बहुत विशाल है। सो फाइनली अब मैं निकलने वाला हूँ बाहर। तो मैं भी नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट कर लिया, बहुत अच्छा लगा, यहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बट जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे दबाएं, ताकि जितना भी वीडियो मैं डालूं अब तक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इजीली वो वीडियो देख पाएँ। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।